हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। हमने प्रीवियस क्लास में कार्नोट साइकिल को पढ़ा था, जिसमें ऊष्मा से उसे कार्य में परिणित किया जाता है। कोई भी कार्यकारी पदार्थ है, उसमें ऊष्मा कितनी अवशोषित हुई और कितना कार्यकारी पदार्थ जो है ऊष्मा को अवशोषित करता है, और किस तरह पूरा ही अवशोषण होता है या नहीं है, उसी का निष्कर्ष कार्नोट साइकिल द्वारा निकाला गया था। कार्नोट साइकिल जो कि एक चक्रीय प्रोसेस था, जिसके अंतर समतापी प्रसार, समतापी प्रसार, रुदोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुदोष्म संपीड़न के जरिए हमने ए बी सी डी 4 स्टेप में हमने इसको कंप्लीट किया था, जिसमें निष्कर्ष ये निकला था कि T2 - T1 ठीक है अपॉन T2, जिसका मान किससे 1 से कम था, यानी कि जो ऊष्मा है पूरी तरह से कार्य में परिणत नहीं होती है, उसका जो बचा हुआ भाग है वो निकाय द्वारा अगले को दे दिया जाता है, अगले कार्य के लिए वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अभी हम आते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि किसी इंजन यानी कि कोई भी मशीन ले सकते हैं, इंजन नहीं, ठीक है, तो किसी इंजन द्वारा अवशोषित वह ऊष्मा, किसी इंजन द्वारा वह ऊष्मा जो अवशोषित होकर कार्य में बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है, उसे उस इंजन की क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, इससे किससे व्यक्त करते हैं, नीटा से व्यक्त करते हैं, यानी कि कार्य और ऊष्मा के बीच में जो संबंध होता है उसे नीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमने ये देखा था T2 - T1 / T2, ठीक है। तो अभी तक कोई भी ऐसा इंजन नहीं हुआ आया है जो कि पूरी तरह उसको कार्य में बदल देता है, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। ऊष्मा जो अवशोषित होती है, कुछ भाग उसका कार्य में बदलता है और कुछ भाग आगे दूसरे निकाय को दे दिया जाता है, जिससे कि वो भी ऊष्मा अवशोषित होकर कार्य में बदल जाए। तो इस तरह हम इसको व्यक्त करते हैं, किसे, नीटा को, सॉरी ठीक है। तो अभी इसका मान जो है 1 से कम आता है, ऐसे में हम यही ऊष्मा में परिवर्तन को अगर नोट करें तो ऊष्मा में परिवर्तन हो जाएगा Q2 - Q1, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, ऊष्मा कार्य में बदल रही है, तो इन दोनों में परिवर्तन पर कार्य डिपेंड करता है, तो कार्य क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है, Q2 - Q1। तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, और क्या इक्वेशन मिलेगी, नीटा इज इक्वल्स टू Q2 - Q1 / Q2 इज इक्वल्स टू T2 - T1 / T2। तो इस तरह हम दक्षता को समझते हैं, ठीक है। नीटा की वैल्यू यानी कि दक्षता को, हम किसी भी इंजन की दक्षता को अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हम इस तरह से उसे न्यूमेरिकली बड़ी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Q और W यानी कि ऊष्मा और कार्य में संबंध बताकर हमने दक्षता को परिभाषित किया है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी प्रक्रम की दक्षता, किसी प्रक्रम की
दक्षता केवल 49 में परिवर्तन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो परिवर्तन पर निर्भर करती है जिनके बीच में चक्र प्रचलित है। ठीक है, और अन्य सभी कारकों के प्रभाव और अन्य सभी कारकों के प्रभाव से मुक्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से किसी प्रक्रम की दक्षता वह होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करे, इसके साथ ही वह जिस चक्र में चल रही है यानी कि उसका उष्मा से कार्य में जब परिणित हो रहा है तो वो कहाँ से कहाँ तक, वो एक साइक्लिक चक्र जब चलता है। ठीक है, तो ऐसे में टेम्परेचर में चेंज होकर केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ऐसे में ये बाकी सारे प्रभावों से मुक्त होती हैं। तो इस तरह हम दक्षता को परिभाषित करते हैं। आगे आते हैं कार्नोट थ्योरम पे। क्या होती है कार्नोट थ्योरम? कार्नोट थ्योरम जो है उसे हमने प्रैक्टिकली डिफाइन किया है। कार्नोट थ्योरम, कार्नोट प्रमेय, जिसमें क्या होता है, दो बातें हैं इसके लिए। एक तो उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय प्रोसेस जब होता है यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में दक्षता का मान अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से अधिक होता है। समझे ये पॉइंट? ये पॉइंट ये कहता है उत्क्रमणीय प्रोसेस, जैसे कि हम नॉर्मली लें ए टू बी होगा और बी से वापस ए प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होगा उत्क्रमणीय होगा। ठीक है, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में दक्षता का मान, जैसे कि डबल पथ चल रहे हैं, दो पदों में हो रही है, पाथ कितने हैं, दो पद है, साइक्लिक पाथ है। ठीक है, तो ए टू बी, बी टू वापस ए में चेंज हो रहा है, इसलिए दक्षता का मान उसमें, क्योंकि उनमें टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, तो ऐसे में दक्षता का मान जो है अनुत्क्रमणीय प्रोसेस से क्या होता है, अधिक होता है। ये है आपके फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ये थ्योरम कहती है सेकेंड पॉइंट में, ये थ्योरम ये कहती है कि सभी उत्क्रमणीय इंजन जो होते हैं जो कि दो तापक्रम के मध्य कार्यरत हैं, ठीक है, यानी कि उनमें टेम्परेचर का जो उस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में परिवर्तन कितना है उसी पर डिपेंड करता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्यकारी पदार्थ जो हैं वो किस पे, माध्यम पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, तो उनमें दक्षता का मान भी समान होता है। कार्नोट थ्योरम में सेकेंड पॉइंट ये होता है कि उत्क्रमणीय जब इंजन लिया जाता है तो टेम्परेचर को लेते हुए उत्क्रमणीय इंजन में तापों में परिवर्तन को, परिवर्तन ये हम T2 - T1, ठीक है, तब हम परिवर्तन को देखते हुए
दक्षता का मान क्या होता है? समान होता है, क्योंकि हम कैसे टेम्परेचर ले रहे हैं, T2 और T1 दो टाइप के टेम्परेचर ले, ऐसे में इसकी दक्षता का मान भी कहाँ क्या होगा? समान होगा, ठीक है। और दक्षता का मान जब समान होगा, क्यों समान होगा? क्योंकि कार्यकारी पदार्थ जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उस पर परिपार्श्विक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हम पढ़ता है कि केवल तापों का ही इफेक्ट जो है उत्क्रमणीय प्रोसेस में पड़ता है, ऐसे में परिपार्श्विक कैसा है, माध्यम कैसा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि माध्यम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से इस थ्योरम को हम दो स्टेप में, दो चीजों से, दो कंडीशन इसमें लागू होती हैं। सबसे पहले उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जिसमें दक्षता का मान जो होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से अधिक होता है। इसी के साथ जब उत्क्रमणीय प्रोसेस चलता है तो ये केवल तापों पे डिपेंड होता है, तो तापों पे डिपेंड होते हुए इसमें माध्यम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे में इनकी दक्षता का मान भी क्या होगा? समान होगा, क्योंकि वो भी T2 और T1 के परिवर्तन पर निर्भर करता है। हमने नीटा की क्या देखी थी? T2 माइनस T1 अपॉन T2, यानी कि ये जो टेम्परेचर में अंतर है, ये जितना ज़्यादा होगा दक्षता का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक समान होगा तो इसका मान भी उसी के समान होगा। तो इस तरह से हम नीटा और इन दोनों के बीच में, तापों में परिवर्तन के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट के थ्रू हम कार्नोट थ्योरम को समझते हैं। इसके लिए प्रूफ क्या है? इसके लिए हमने T2 और T1 टेम्परेचर को लेके एक इंजन तैयार किया, ठीक है। हमने दो टाइप के इंजन लिए। सबसे पहले T2 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर के लिए कौन सी ऊष्मा लगा रहे हैं हम? Q2 ऊष्मा, जो कि अवशोषित होके कार्य में कुछ चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर W ले लें या W1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब ये Q2 ऊष्मा जो है अवशोषित हो गई, बची हुई ऊष्मा, तो Q1 जो बची हुई ऊष्मा है, Q2 जो कुछ Q2 ऊष्मा हमने लगाई थी, ऐसे में जो कार्य में परिणत हो गई वो ऊष्मा कार्य में यूज में आ गई, और बची हुई ऊष्मा Q1 जो है किस में चेंज हो जाएगी? बाद में Q1 ऊष्मा T1 सिंक द्वारा ले ली जाएगी, ठीक है, और वो उसी में रहेगी, ठीक है। दूसरा इंजन ये है आपके इंजन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे में इस तरह से ये कार्य Q2 ऊष्मा से Q1 बनी, और W जो कार्य बताया गया T2 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर पर आ जाती है, ठीक है। अभी सेकेंड इंजन में क्या होता है? सेकेंड इंजन में हम क्या करते हैं? फिर से वही सोर्स T2, ठीक है, फिर से वही Q2 ऊष्मा दी जाती है। हम इधर Q2 ले रहे हैं तो यहाँ पर Q2 डैश ले सकते हैं, ठीक है, जो कार्य में परिणत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर Q2 ऊष्मा जो है कार्य में परिणत हो गई, यहाँ पर हम W2 ले लेते हैं। ऐसे में जब ये फिर से Q2 ऊष्मा Q1 में बची हुई ऊष्मा कहलाई, और यहाँ पर T1 सिंक को दे दी गई, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊष्मा जो है यहाँ पर दोनों जगह में, दोनों ही इंजन में बच रही है। ऐसे में इन इंजन को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि ये इस तरह से इनको अगर जोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इंजन लिया था। फर्स्ट इंजन में क्या किया था? T2 टेम्परेचर पे Q2 ऊष्मा लिख के हमने कुछ कार्य में बदल दिया, यानी कि W1, ऐसे में बची हुई ऊष्मा T1 पे गई। ये T1 जो है कहाँ पे काम आ जाएगी? फिर से इस Q1 और T1 में, ये Q1, ये दोनों ही, ये Q1 डैश, ठीक है, ये Q1 और ये Q1 वापस से यूज में आ जाएगी ये ऊष्मा, और T1 टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस इस तरह चलेगा, ठीक है। T1 से ये ऊष्मा फिर से ले गए, और
कार्य में परिणत हो गई और फिर से ये साइकिल चलती रही। तो इस तरह से कार्नोट थ्योरम के जरिए हमें ये पता चला कि ये पूरी तरह से कार्य में ऊष्मा जो है कार्य में परिणत हो जाती है। लेकिन कार्नोट साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि ऊष्मा जो है पूरी तरह से कार्य में परिणत नहीं होती है, यानी कि T2 - T1/T2 < 1, यानी कि पूरी तरह कार्य में नहीं बदल के उसका मान 1 से कम आता है। तो ऐसे में ये जो कार्य में कमी आई है तो ये जो प्रोसेस है यानी कि कार्नोट थ्योरम का जो प्रोसेस है ये हमें उसके कार्नोट साइकिल के विरुद्ध चलता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रैक्टिकल के थ्रू ये प्रूफ किया गया कार्नोट थ्योरम के जरिए कि ऊष्मा पूरी तरह कार्य में अगर वो साइक्लिक चक्र हो तो ऐसे में वो पूरी तरह से कार्य में परिणत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्नोट थ्योरम को समझते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इंजन की दक्षताएं समान होती है और जब वे तापक्रमों के मध्य कार्यरत रहती है या परिणत रहती है, कार्यरत रहती है। ठीक है, अर्थात ये थ्योरम कार्नोट साइकिल के विरुद्ध कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्नोट साइकिल पढ़ चुके हैं, उसके बाद में कार्नोट थ्योरम और हमने दक्षता को डिफाइन कर लिया है। तो इस तरह से हमने कार्नोट थ्योरम पढ़ ली है। ठीक है, तो कार्नोट थ्योरम के बाद में आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। तो ये हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ, जो हमें पता है क्या बताता है कि विलगित निकाय जो होता है उसके अंदर ऊर्जाओं का, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का जो योग होता है वो स्थिर रहता है, उसी के अकॉर्डिंग इनके पैमाने भी दिए गए। ठीक है, तो ये पैमाने जो है ऊष्मागतिकी नियम पर डिपेंड करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने क्या बोला कि ये प्रकृति और मतलब जो कार्यकारी पदार्थ है उसकी प्रकृति और गुणों पर भी निर्भर करते हैं। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। तो आपकी ये यूनिट तो कंप्लीट हो गई है, अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, जो कि आपने जो गणनाएं की है कार्य की और जिस तरह से आपने क्यू की गणना की है उसी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, और कि ये गए कार्य की गणना करो यदि आदर्श गैस एक मोल
केल्विन ताप पर समतापी एवं उत्क्रमणीय प्रसार से आयतन मूल आयतन का एक बट्टा पांच रह जाए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। इसमें हमें W की गणना करनी है कार्य की। तो W का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले W इज इक्वल टू क्या होता है, RT ln V2/V1। ठीक है, तो R की वैल्यू फिक्स्ड होती है, टेम्परेचर हमें 300 केल्विन लेना है। ठीक है, V2/V1 जो है 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से एक हमने इसी में एक इक्वेशन की थी, W इज इक्वल टू 2.5, जब ये ln की वैल्यू होती है तो RT ln V2/V1। ठीक है, तो इससे में W इज इक्वल टू 2.303, आर की वैल्यू होती है 8.314 इंटू 300 जो केल्विन में टेम्परेचर है। ठीक है, लॉग 1/5। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जब गणना करेंगे W इज इक्वल टू 2.303, 8.314 R की वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है, R T टेम्परेचर log 1/5। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो आता है हमारे तरह से ये क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो यहाँ पर कार्य की जब गणना की गई तो ये इस तरह से उसका कार्य आया। ठीक है, सेकंड अपने लिखेंगे क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे +273 हो जाएगा। ठीक है, पर आदर्श गैस के एक मोल का उत्क्रमणीय समतापी प्रसार होने पर आयतन पांच लीटर से 10 लीटर हो जाता है। तो Q W del E से del H की गणना करें।
जिसको ये चारों चीजों की गणना इसमें करनी है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये जो होगा 27 डिग्री टेम्परेचर T1 होगा, 27 प्लस 273 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 273 में जब इसे चेंज करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज 273 प्लस होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आ गया T1 टेम्परेचर। इसके साथ में V1 क्या हो जाएगा, 5 लीटर, और V2 क्या हो जाएगा, 10 लीटर। क्योंकि अंतिम अवस्था तो T2 = T1 = 300 केल्विन, ठीक है, तो इस तरह से हमको जो चाहिए था वो सब मिल गया है। और क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, W = nRT, आदर्श गैस ले रहे हैं तो n मोल भी इसमें हम ले रहे हैं, ठीक है, तो एक मोल लिखा हुआ ना, तो nRT ln V2/V1, ठीक है, तो अब ये वैल्यू सारी इसमें रखते हैं। W = 2.303 and 1 mole into R 8.314 into temperature 27 कितना आया था, 300, ठीक है, log V2 कितना है, 10/5, ये क्या आ जाएगा, 2.303 × 1 × 8.314 × 300 × इसकी वैल्यू क्या आती है, 0.3010 लॉग की वैल्यू, ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू, 10/5 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, 2 आया, इसमें 3010 आ जाएगा, तो ऐसे में क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, कार्य की गणना, ठीक है, जूल पर मोल, ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसके किसकी गणना की हमने, ओनली W की, तो W इज कंप्लीट। देन सेकंड नंबर लेते हैं हम डेल ई, समतापी प्रसार है, ठीक है, तो डेल ई की गणना करेंगे, ठीक है, तो डेल ए की जब गणना करते हैं तो डेल ई में परिवर्तन क्या होता है, T2 - A1, ठीक है, आदर्श गैस है, तो डेल ई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0, और हमें इक्वेशन क्या है, Del E = Q - W, W हमें मिल गया है, Q = क्या हो जाएगा, -W, ठीक है, तो W हमने गणना कर ली है, तो W के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या आई थी, 1729, चूंकि Q = क्या होता है, Del E प्लस W, ठीक है, तो डेल ई इज इक्वल्स टू 0, तो क्यू इज इक्वल्स टू W आई थी हमारे 1729 जूल पर मोल, तो ऐसे में यहाँ पर भी Q = W = 1729 जूल, तो
इस तरह से हमने डेल ई की गणना कर ली है और क्यू की भी गणना, जो कि डेल ई इज इक्वल टू जीरो है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम क्यू को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगी क्यू की गणना। ठीक है, क्यू की गणना के लिए फॉर्मूला ये है, क्यू को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू डेली प्लस डब्ल्यू, डेली इज इक्वल टू जीरो है तो ऐसे में Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू डब्ल्यू तो 1729 सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हमने डेल ई की गणना कर ली है जीरो, डब्ल्यू की गणना की थी 1729 आई थी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये इक्वल है एक दूसरे के, तो ऐसे में Q की वैल्यू भी यही। अब आते हैं डेल एच पे, डेल एच की गणना, ठीक है, इसमें क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू होता है डेल पी प्लस डेल पी वी, ठीक है, पी डेल वी होता है, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, आदर्श गैस है, आदर्श गैस हम ले रहे हैं, आदर्श गैस के लिए पी वी बराबर एन आर टी होता है, ठीक है, तो एन एक मोल हम ले ही रहे हैं तो हम ले चाहे नहीं ले एक ही बात है, ठीक है, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल आर टी, ठीक है, तो यहाँ पर डेल ई इज इक्वल टू जीरो, आर और टी क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, प्लस जीरो, तो वैल्यू डेल एच की क्या आ जाएगी जीरो। ठीक है, अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो हमने दो फॉर्मूले ले लिए हैं, एक तो W डेल H डेली इन सब की गणना कर ली है, R T L N जो W की गणना की गई थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके अलावा आपने अभी दक्षता पढ़ी, दक्षता पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमानों के मध्य के मध्य कार्य करने वाले इंजन की अधिकतम दक्षता की गणना करो। ठीक है, तो नीटा इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q था, इसी के साथ ही क्या था, क्योंकि हमको टेम्परेचर दिया है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये काम आएगा, तो नीटा इज इक्वल टू टी टू क्या है 100, तो सबसे पहले टी टू और टी वन निकालते हैं हम, टी टू इज इक्वल टू 100 प्लस 273, ठीक है, केल्विन में वैल्यू आ जाएगी 373, और T1 इज इक्वल टू क्या है 20 प्लस 273, ठीक है, तो ऐसे में तो ये आ गई हमारे T2 और T1, ऐसे में ये क्या ले लेंगे 373 माइनस 293
अपॉन 373। ठीक है, तो इसको जब हल करते हैं वैल्यू आती है 0.214, और या फिर अगर परसेंटेज में निकालनी हो तो 0.214 अपॉन 100 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 21.4%। ठीक है, तो इस तरह से हम दक्षता को ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कार्नो इंजन को 460.5 किलो कैलोरी उष्मा दी जाती है। इस इंजन द्वारा कितना उपयोगी कार्य किया जाएगा यदि वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करता है। ऐसे में हमारे W इज इक्वल टू क्या होता है, Q2 - T1 / T2। ठीक है, इक्वल टू Q2 की वैल्यू क्या है 460। ठीक है, फिर आते हैं T2 जीरो डिग्री है, 100 डिग्री है। ठीक है, तो केल्विन में जब चेंज करेंगे तो 373 - 0 डिग्री है 273 / 373। ठीक है, तो ऐसे में क्या वैल्यू आ जाएगी, किलो कैलोरी है। ठीक है, इसको जब किलो जूल में चेंज करेंगे 260.5। ठीक है, इसको जब किलो जूल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किलो कैलोरी को किस में चेंज करना है, किलो जूल में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें 4.184 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलो कैलोरी को किलो जूल में बदलना है, तो ऐसे में इसको जो 460 किलो कैलोरी को किलो जूल में बदलने के लिए 4.184 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1926.73। ठीक है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा इसका, इससे
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ठीक है, तो ये गाड़ी क्वेश्चन आ गया अपने, तो किलो कैलोरी को जब किलो जूल में बदलते हैं तो इसमें किलो जूल किलो कैलोरी मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 4.184। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।